हाँ जी दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट, चंडीगढ़ से। एक न्यू अपडेट आई है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल से, जो कि मेरे हिसाब से करंट सिनेरियो को देखते हुए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेवल वन यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड रैंकिंग में 197 पे है, उन्होंने बोला है कि अगर सेमेस्टर टू यानी कि जुलाई इनटेक या सेमेस्टर थ्री जो कि अगस्त इनटेक है उसके लिए आप अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में, तो आपको वन ईयर की फीस नहीं पे करनी, सिक्स मंथ्स की फीस नहीं पे करनी। यू हैव टू पे $8,000 ओनली इन द बिगिनिंग, उस पर आपकी COE आ जाएगी। आपका जब वीज़ा ग्रांट हो जाता है उसके बाद यू कैन पे योर बैलेंस फीस, विच इज़ अगर एक सेमेस्टर की हम बात करें मान लो। और एक चीज़ और वहाँ की अच्छी है कि आपको $10,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है। तकरीबन 99% जो बच्चे, आई वुड से 90-95% बच्चे जो हैं जो क्वालिफाई कर जाते हैं फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल, दे आर गेटिंग दिस $10,000 स्कॉलरशिप ऑन ईच ईयर। तो अगर कोई बच्चा बैचलर्स करने जा रहा है तो उसको तीनों साल 10-10,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, तो टोटल स्कॉलरशिप हो गई $30,000 की। अगर कोई मास्टर्स करने जा रहा है तो उसको दोनों साल $10,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। अब सपोज किसी प्रोग्राम की फीस यूनिवर्सिटी में, जैसे कोई 31,830 है, मैंने देखा है कि अभी रिसेंटली मेरे ख्याल मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग एडवांस की फीस 31,830 है, तो इसमें $10,000 वैसे ही माइनस हो गए जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो फीस इफेक्टिव फीस रह गई $21,830। तो आपको जो फंड्स कैलकुलेशन करनी है वो 21,830 पे करनी है, बट आपने जो पेमेंट करनी है, जनरली ऑस्ट्रेलिया में सिक्स मंथ्स की फीस पेमेंट कराते हैं, तो इस केस में, और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जो है वो हमेशा एक्चुअल जो टोटल ट्यूशन फी होती है बिफोर द स्कॉलरशिप उस पे होती है, और जो स्कॉलरशिप माइनस होती है वो सेकंड सेमेस्टर की फीस में से होती है। तो बजाय इसके कि आप $15,000 या $16,000 फीस फर्स्ट सेमेस्टर की पे करके जाओ, यूनिवर्सिटी हैव गिवन यू द अपॉर्चुनिटी और द चांस कि आप सिर्फ 8,000 जो डॉलर्स हैं आपने डिपॉजिट करने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट योर COE एंड आप अपनी वीज़ा फाइल करिए। उसके बाद वंस यू गेट योर वीज़ा ग्रांट यू कैन पे दी रिमेनिंग फीस सो दैट योर यू नो वन सेमेस्टर फीस पेड। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उन सब के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया में अभी जुलाई इनटेक के लिए देख रहे हैं या अगस्त इनटेक, जो इसमें कुछ प्रोग्राम्स के लिए अगस्त इनटेक है, जैसे बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं, अकाउंटिंग के प्रोग्राम्स हैं, उनमें अगस्त इनटेक अवेलेबल है, तो उसके लिए भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस, वील यू नो प्रोसेस योर एप्लीकेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए जा रहे हैं यानी कि बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हैं, तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, राजस्थान बोर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, अपना CBSE एक्सेप्टेबल है, ICSE है, मध्य प्रदेश बोर्ड है वो एक्सेप्टेड है, या गुजरात, मतलब मेरे ख्याल गुजरात बोर्ड भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कुछ लिमिटेड बोर्ड्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, और CBSE। पर अगर आपने पंजाब बोर्ड से अपनी प्लस टू की है तो आप कैपलन कॉलेज जो कि पाथवे प्रोग्राम देता है उसी यूनिवर्सिटी के अंदर इनका कैंपस है, उसमें के थ्रू आप पाथवे के थ्रू आप यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में जा सकते हैं। तो ये हो गई अपडेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में, जहां पे आपको सिर्फ $8,000 दे के ही COE मिल जाएगी एंड रेस्ट ऑफ द मनी यू कैन पे आफ्टर यू गेट दी वीज़ा ग्रांट। तो उम्मीद है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा पैसा अभी इनिशियली ना लगे, तो कई बार बंदे के दिमाग में डर होता है कि भाई अगर मेरा भगवान ना करे वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो मैं इतने, सो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर यूनिवर्सिटी हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल इज़ डूइंग एवरी बिट, नो अदर यूनिवर्सिटी इज़ गिविंग ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट $10,000 स्कॉलरशिप पर एनम, विच इज़ वेरी कमेंडेबल, एंड इट इज़ नॉट कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी है कि वैसे ही मतलब यू नो जस्ट टू प्रमोट दैम, नो, इट इज़ जस्ट टू हेल्प द स्टूडेंट्स, यू नो, क्योंकि पिछले दो साल में पेंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सबकी जो है वो थोड़ी सी डावाडोली है, तो उस चीज़ को रियलाइज करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए यूनिवर्सिटी ने ये पहले 10,000 स्कॉलरशिप जो वो करी, और अब उससे भी आगे नेक्स्ट स्टेप लेके इन्होंने
फर्स्ट आपका डिपॉजिट है जो वो सिर्फ $8,000 कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई तो आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको पता है न्यूकासल, सेंट्रल कोस्ट, कैलगन तीनों कैंपस जो है रीजनल एरिया में पड़ते हैं, सिडनी के बहुत पास है जो सेंट्रल कोस्ट कैंपस है, न्यूकासल भी बहुत पास है, और आपको रीजनल के जितने बेनिफिट्स हैं सब मिलते हैं यहाँ पे। थैंक यू।